इंडियन वेब सीरीज का क्लास अभी अलग लेवल पे है और अभी आ चुका है जाने जान। और भाई ये जो वेब सीरीज है इसको वेब सीरीज बिल्कुल मत बोलना, बिकॉज ये मूवी है, नेटफ्लिक्स की तरफ से आया है मूवी और इतना ज्यादा खतरनाक। भाई करीना कपूर और जयदेव अलावा, और इसमें देखो मेन लीड रोल में अगर आप बोलोगे तो उसमें करीना कपूर ही है। और जो करीना कपूर है भाई, उनका जो एक्टिंग था, जो मतलब बहुत टाइम से कहीं ना कहीं वो गर्दिश में जा रहे थे, वो वापस आ चुके हैं। और भाई क्राइम ड्रामा मिस्ट्री के साथ इतना खतरनाक लाजवाब मूवी निकाले हैं। और मुझे पता है क्या इस मूवी का सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्ट कौन सा था, वो जो एंडिंग सीन है ना भाई, एंडिंग सीन मतलब जहाँ पे ऐसे सीन दिखते हैं भाई, मेरे को गजनी का याद आ जाता है। इतना खतरनाक खतरनाक सीन है भाई, इतने खतरनाक खतरनाक। और मैं अगर प्लॉट की बात करूँ मूवी के प्लॉट की, तो प्लॉट बस ऐसा है कि माँ बेटी हैं और वो कुछ ऐसे क्राइम वगैरह उनसे हो जाता है जिसको वो पूरे मूवी में छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। अब उनका कौन कौन उसमें मदद करेगा, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से बचेंगे कैसे वो, ये सारा का सारा इस मूवी में दिखाया गया है। और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग तौर पे, कहीं पे पुलिस आगे निकल रही है तो कहीं पे ये लोग उसको छुपाने के लिए, अपने क्राइम को छुपाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं अपने फैमिली को बचाने के लिए, फॉर दी फैमिली टू दी फैमिली, पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं करीना कपूर। और ये जो रोल है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और मेरे ख्याल से अब वुमेन एम्पावरमेंट का जो टाइम था वो आ चुका है बॉलीवुड में, और बहुत ज़्यादा स्टैंड अलोन जो मूवीज़ थी वो अभी नहीं चल रहे, पर मेरे ख्याल से वेब सीरीज़ या फिर जितने भी वेब में आते हैं वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के जो मूवीज़ हैं भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल सकता है। हालांकि बॉलीवुड में अभी वो टाइम नहीं आया जहाँ तक मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह का, पर ये मूवी अगर आप देखोगे ना भाई, ये मूवी करीना कपूर भाई अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। और बाकी के दो मेन एक्टर, ओ माय गॉड यार, मतलब मूवी को पूरा एकदम उठा के रखा है इन्होंने। अब देखो मूवी के रन टाइम का बात करें तो ये लगभग 2 घंटे 14 मिनट 15 मिनट का रन टाइम है इसका। और जो इसके सीन्स भी है ना भाई, डायरेक्ट कट टू कट, ऐसे बोर करने वाले इन्होंने ज़्यादा सीन डाले ही नहीं। कुछ ऐसे 2-3 सीन्स होंगे जहाँ पे आप ऐसे बोरिंग टाइप का फील कर सकते हो, पर बाकी के जितने भी सीन्स हैं डायरेक्ट कट टू कट, एक सीन खत्म हुआ दूसरा सीन स्टार्ट, और दूसरे सीन में जो कुछ भी प्लॉट है प्लॉट के हिसाब से स्टोरी चलता जा रहा है। और जैसे जैसे ये मूवी खत्म होगा वैसे वैसे ही आपके माइंड के साथ, अपने साइकोलॉजी के साथ भी खेलना स्टार्ट करेगा। आपको भी लगने लगेगा कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, कौन पीछे निकल रहा है, कौन आगे निकल रहा है। हालांकि हर टाइम सच उनके सामने होता है, पर वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या सच को ढूंढ नहीं पाते। तो ये पूरी चीज को इस मूवी में दिखाया गया है। बात करें रेटिंग की तो मैं इस मूवी को दूंगा 10 में से लगभग 8 का रेटिंग, बिकॉज यार जितना भी लाजवाब मूवी निकाल लो उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं, और इसका एक बड़ा फ्लॉ है इसका स्टोरी लाइन भाई बहुत ऐसे डिसेंट टाइप का है जो कि पहले देखा हुआ है, और जो इसके एक्टर्स हैं वही स्टोरी को बहुत ज्यादा अप लेवल पे लेके जा रहे हैं। हालांकि लास्ट में बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवी में आपको बीच बीच में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बस अगर आपको क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिल के ऊपर एक मूवी देखना है, एक्शन तो नहीं बोल सकता हूँ, क्राइम ड्रामा और थ्रिल के ऊपर एक मूवी देखना है, तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए बना है। आप इसको देख सकते हैं, अभी आ चुका है 21 सितंबर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।